Hello everyone and welcome back to the channel. Today I'm going to be talking about my struggle with CA attempts. Did I take any attempt to clear CA exams? Of course, yes. I have always shared these things with the utmost pride. मैं बहुत गर्व के साथ ये कहती हूँ कि मुझे CA clear करने में attempts लगे हैं. क्या मैं ashamed हूँ मेरे attempts से? Definitely not. Why? I'm very proud कि मुझे अटेम्प्ट्स लगे, क्योंकि उन अटेम्प्ट्स से मैंने बहुत कुछ सीखा, ना ही सिर्फ मेरे बारे में बट टुवर्ड्स द अप्रोच ऑफ माय लाइफ, कि मेरी अप्रोच कैसी है लाइफ के टुवर्ड्स. इन स्ट्रगल्स ने, इन अटेम्प्ट्स ने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई. एंड नाउ जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूं और सोचती हूं कि मुझे अटेम्प्ट्स लगे हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मुझे अटेम्प्ट्स लगे, क्योंकि मैंने कितनी कुछ चीजें सीखी इन अटेम्प्ट्स से, खुद के बारे में, लाइफ के बारे में, मेरे लाइफ के अप्रोच के बारे में. आज मैं सबसे पहले ये इस चीज पे बात करना चाहूंगी कि जब मुझे अटेम्प्ट्स लगे थे, व्हेन आई वाज स्टडिंग, फाइनल में लगा मुझे अटेम्प्ट्स, तो मुझे कैसा फील हुआ. फर्स्ट ऑफ ऑल, तो जैसा सब बच्चों को फील होता है, आई क्राइड डे नाइट. मैं इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थी कि मेरे को अटेम्प्ट लग गया. पहले तो कि इतनी मेहनत करने के बाद, मुझे पता है व्हाट आई यूज्ड टू फील, कि इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर मुझे अटेम्प्ट लग रहा है, तो क्या मैं कभी सीए क्लियर कर पाऊंगी. आई यूज्ड टू फील दैट सब बच्चे मेरे से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है और मैं सब बच्चों से शायद उतनी, मेरे में उतना कैलिबर नहीं है, ऐसा मुझे फील होने लग गया था जब मुझे अटेम्प्ट लगा था. बट और उस समय पता है ये भी फील होता था कि अगर मेरे अटेम्प्ट्स लग रहे हैं, तो क्या इन अटेम्प्ट्स की वजह से क्या मैं लाइफ में कभी कुछ अचीव नहीं कर पाऊंगी, या इतने अटेम्प्ट्स लगने के बाद क्या मैं कुछ अच्छा नहीं कर पाऊंगी लाइफ में, या लोग मेरे से बहुत आगे निकल चुके हैं. और आई एम श्योर बहुत सारे बच्चों का, जब जो अभी क्लियर नहीं कर पाए हैं, उनको भी ये सेम चीज फील हो रही होगी कि बिकॉज हमारे अटेम्प्ट्स, अभी अगर हमारा अटेम्प्ट लग गया, तो शायद दूसरे लोग हमसे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, या फिर दूसरे लोग लाइफ में हमसे आगे निकल गए हैं, या क्या मेरे में उतने कैलिबर नहीं है. बिकॉज ये सेल्फ डाउट आ जाता है आपके कॉन्फिडेंस पे, थोड़ा सा एक योर कॉन्फिडेंस ब्रेक्स, योर कॉन्फिडेंस शेक्स जब आप फेल हो जाते हैं तो. और पता है मैंने क्या किया जब मैं फेल हुई? मैंने वो जो फेल की मार्कशीट थी वो निकाली, उसमें जो फेल वर्ड लिखा हुआ था उसे हाईलाइट किया और अपने रूम में चिपका दिया. मैं सुबह जब सोती थी तो मेरे को वो मार्कशीट दिखती थी, और मुझे एक चीज मेरे दिमाग में हमेशा रहती थी कि मुझे इस फेल को पास में कन्वर्ट करना है. आई एम नो लेस देन एनीबडी. मैंने बहुत रोया यार जब मेरे नेगेटिव रिजल्ट आए हैं, मैंने बहुत रोया है, बट देन आई एक्सेप्टेड इट. और मुझे एक चीज पे बिलीव हो गया था कि जब मैं क्लियर नहीं कर पा रही हूं, मुझे बहुत बुरा लगा. ऑफकोर्स सबको लगता है. और मुझे एक चीज मैं श्योर करना चाहती थी कि ये चीज जो मुझे आज फील हो रही है, मुझे वापस से ये फीलिंग फील नहीं करनी है, क्योंकि ये जो नॉट सक्सेसफुल वाली फीलिंग होती है, ये बहुत स्ट्रांग फीलिंग है. ये फीलिंग आपको शैटर कर देती है. ये फीलिंग मुझे वापस फील नहीं करनी थी. एंड आई प्रॉमिस्ड माई सेल्फ कि यार चाहे जितनी मेहनत करनी पड़ जाए, चाहे रात दिन एक करना पड़ जाए, बट आई वॉन्ट टू क्लियर दिस. ये तो मैं अचीव करके ही करके रहूंगी. आई प्रॉमिस्ड माई सेल्फ. इसलिए मैंने वो फेलियर का मार्कशीट अपने रूम में लगा दिया. सुबह शाम मैं उस मार्कशीट को देखती थी एंड आई मेड श्योर कि इस फेल को मुझे पास में कन्वर्ट करना है, वॉट एवर इट टेक्स देन. चाहे फिर कितनी मेहनत लगेगी, आई एम रेडी टू डू दैट मेहनत. एंड आई विल टेल यू वन मोर थिंग कि आपको अपने आप पे ना सेल्फ बिलीफ रखना है. आई नो डिस्करेजमेंट होता है, आप डिस्करेज हो जाते हो, शैटर हो जाती है बहुत सारी चीजें, बिलीव नहीं होता कि आप क्लियर नहीं कर पाए, बट ट्रस्ट मी, ये चीजें आपको लाइफ में बहुत सारी चीजें खुद के बारे में, आपकी लाइफ की अप्रोच के बारे में सिखाएगी. एंड ट्रस्ट मी, आप बिल्कुल ये चीज मत सोचना कि आप किसी से कम हो या कोई आपसे ज्यादा है. बस आप सिर्फ एक चीज ध्यान में रखें कि सक्सेस गॉट अ लिटिल डिलेड फॉर यू. सक्सेस थोड़ी सी डिले हो गई, कोई बात नहीं यार, दिसंबर में नहीं कर पाए, मई रेडी है, मई में कर लेना, सिर्फ 6 महीने की बात है. बट अब लग जाओ, पूरी तरीके से लग जाओ. और क्या ये सीए अटेम्प्ट्स मैटर करते हैं? टू मी
फॉर मी ऑनेस्टली मैं बोलूंगी सीए अटेम्प्ट्स मैटर नहीं करते। जो चीज मैटर करती है वो है आपकी स्किल, वो है आपकी नॉलेज, वो है आपका कैलिबर, वो है आपका हार्डवर्क जो मैटर करता है। दीज अटेम्प्ट्स विल नॉट मैटर। जब आप अपने फर्स्ट जॉब के लिए जाओगे हो सकता है आपसे कोई अटेम्प्ट पूछे, पर उसके बाद में क्या मैटर करेगा? आपका क्वालिटी ऑफ वर्क, आपका नॉलेज। कुछ साल बाद आपके ये अटेम्प्ट्स कोई भी नहीं पूछेगा। ऑल दैट एवरीबॉडी विल रिमेंबर इज दैट यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। एंड लेट मी रिमाइंड यू ऑफ वन मोर थिंग कि एक बार आपके नाम के आगे सीए लग गया, फिर बाद में सब किसी को याद नहीं रहता यार किसको कितने अटेम्प्ट्स मिले हैं। लाइक आई सेड, ऑल दैट मैटर्स इज योर नॉलेज, योर कैलिबर, योर हार्डवर्क, राइट, एंड योर पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। सो डोंट फील बैड कि आपको अटेम्प्ट्स लगे हैं। इट्स ओके, ये फेलियर्स आपको, जैसे मैंने बोला, बहुत सारी चीजें सिखाएंगे, बट यू हैव टू कम आउट ऑफ इट। आपको इससे बाहर निकलना है। यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू बी सेल्फ कॉन्फिडेंट, और आप कर जाएंगे, ट्रस्ट मी। बस डोंट, ये फेलियर वाली फीलिंग को सिंक इन मत होने देना। आपको इससे ऊपर उठना है। आपको लाइफ में बहुत चीजें अचीव करनी है और आप डेफिनेटली अचीव करोगे, प्रोवाइडेड आप पॉजिटिव आउटलुक रखें लाइफ के टुवर्ड्स, और लग जाओ यार, लग जाओ। ठीक है, सक्सेस उन्हें तो डेफिनेटली नहीं मिलती जो लेजी होते हैं। सक्सेस के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, राइट? तो कुछ अच्छे दिनों के लिए कुछ रफ डेज भी फेस करने पड़ते हैं। आज हो सकता है रफ डे हो, बट ये डेज डेफिनेटली बदलेंगे, एंड दीज विल बी सम ब्राइटर डेज इन फ्यूचर, एंड यू विल वर्क हार्ड फॉर इट। ठीक है, तो पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, एंड मैं आपको पूरे तरीके से हमेशा मोटिवेट करती रहूंगी, राइट? एंड बच्चों, दैट इज इट फॉर नाउ। एंड ऑल्सो, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, सो दैट आपको मेरे से मोटिवेशन, गाइडेंस सब मिलता रहे, बिकॉज आई ट्राई टू हेल्प एज मेनी स्टूडेंट्स एज पॉसिबल। वट एवर आई हैव लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स, आई होप दैट नोबडी मेक्स दोज मिस्टेक्स, एंड आई विल कीप ऑन गाइडिंग यू, आई कीप ऑन हेल्पिंग यू लाइक दिस। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी यू।